तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो रिव्यू कर रहे थे वो सेट्स एंड रिलेशन का रिव्यू करने वाले हैं। जो सेट्स एंड रिलेशन है ये आपके पास 8 मार्क्स का है। तो सेट्स एंड जो रिलेशन एंड फंक्शन ये आता है, ये आपके पास 8 मार्क्स का है। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना होता है? इसमें आपको पढ़ना होता है टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव इक्विवेलेंस रिलेशन, 1-to-1 एंड ऑन टू रिलेशन। तो बच्चों ये सारी बातें हम लोग को इस चैप्टर में पढ़नी होती है क्लास 12th के एग्जाम्स के लिए। तो सबसे पहले अगर हम इसको रिव्यू करना चाहते हैं तो इसको रिव्यू करने के लिए हम सबसे पहले रिलेशन एंड फंक्शन टॉपिक को लेते हैं। तो बच्चों अगर आप रिलेशन एंड फंक्शन देखना चाहें तो आपके पास जो एनसीईआरटी है, अगर आप एनसीईआरटी की पार्ट 1 ले लेंगे तो उसमें एनसीईआरटी की पार्ट 1 में आपके पास रिलेशन एंड फंक्शन गिवेन है। तो वहां से अगर आप इस एक्सरसाइज 1.1 को सक्सेसफुली सही ढंग से लगा लेते हैं तो आपके पास जितने भी टाइप्स के रिलेशन हैं, यानी कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, ये सारे रिलेशन आपको अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। एज वेल एज जो टाइप्स ऑफ फंक्शन है, 1-1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शंस, ये सब आपको क्लियर हो सकते हैं। तो बच्चों आपको अपनी क्लास 12th की एनसीईआरटी लेनी है, एक्सरसाइज 1.1 से स्टार्ट करना है और इसमें सारे ये कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले जितने भी बच्चे अब क्लास ज्वाइन कर चुके हैं उसमें सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे। आपके पास हेडिंग है एक्सरसाइज 1.1 और चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है बच्चों आपके पास, उसमें लिखा हुआ है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अब हो सकता है आपको यही ना पता हो कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव क्या होता है, तो उसको समझने के लिए हम इस क्वेश्चन का पहला पार्ट करते हैं। तो बच्चों ये इस क्वेश्चन का पहला पार्ट है, अगर आप इसको सही ढंग से कर लेंगे तो आपको ये टाइप्स ऑफ रिलेशन 100% क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों अगर आपके पास एक सेट ए गिवन है, उस सेट ए में अगर आप ध्यान से देखें नेचुरल नंबर है जो कि 1, 2, 3, 4 अप टू 14 तक आपके पास गिवन है, और आपको इस सेट ए से एक रिलेशन क्रिएट करना है जो किसको फॉलो करता है, वो फॉलो करता है वाई इज इक्वल टू 3x को। दैट मीन्स बच्चों अगर आप इसमें x1 पुट करेंगे तो y3 आ जाएगा। तो आपका ऑर्डर पेयर क्या हुआ, वो हुआ 1, 3। अगर आप इसमें एक्स की जगह बच्चों 2 पुट करेंगे तो वाई आ जाएगा 6। तो आपका ऑर्डर पेयर हो जाएगा 2, 6। अगर आप एक्स की जगह 3 पुट करेंगे तो वाई की जगह आ जाएगा 9। तो आपका ऑर्डर पेयर कितना हुआ, 3, 9। अगर आप इसमें एक्स की जगह 4 पुट करेंगे तो वाई की जगह 12 आ जाएगा। तो आपका ऑर्डर पेयर हुआ 4, 12। अब बच्चों अगर आप एक्स की जगह 5 पुट करेंगे तो वाई 15 आ जाएगा, लेकिन जो 15 है वो सेट ए के एलिमेंट से बिलोंग नहीं करता है क्योंकि सेट ए में 14 तक एलिमेंट्स ही गिवन है। तो बच्चों सेट्स ए से बनने वाला जो रिलेशन है वो रिलेशन आपने डेवलप कर दिया है, उस रिलेशन के जो ऑर्डर्ड पेयर्स है उसको अगर आप लिखना चाहें तो उसमें 1, 3 है, 2, 6 है, 3, 9 है और 4, 12 है। ये बच्चों इस रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। तो बच्चों इस रिलेशन को लिखने के बाद अब आपको पहचानना है कि ये कौन कौन से फॉलो करता है रिलेशंस को, टाइप्स ऑफ रिलेशन को। तो बच्चों अगर आपको याद रखना हो कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, तो रिफ्लेक्सिव का मतलब ये होता है कि कभी भी अगर 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 अगर इस टाइप के पेयर आपको मिलने लगते हैं तो उस रिलेशन को हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। तो आपको ध्यान देना होगा कि R जो पहला वाला आपका रिलेशन है वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। बच्चों ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे? आप इसका आंसर लिखेंगे बच्चों R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आप इसमें लिखेंगे R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों? क्योंकि इसका रीजन देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कौन से पेयर नहीं है, 1, 2, 2, 3, 3। अगर इस तरह के ऑर्डर्ड पेयर्स बच्चों होते हैं तो इस तरह के रिलेशन को हम लोग कहते हैं कि वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा।
तो इनमें से कोई भी ऑर्डर्ड पेयर आपके रिलेशन में नहीं है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं कहलाएगा। मेरे ख्याल से शुभ तुमको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। इसके अलावा आपको देखना होगा कि जो आपका रिलेशन अभी हमने डेवलप किया है वो सिमेट्रिक भी नहीं है, तो आप लिखेंगे आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब आपके दिमाग में आएगा कि सिमेट्रिक की पहचान क्या होती है। सिमेट्रिक की पहचान ये होती है अगर उस रिलेशन में ए कॉमा बी हो तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए। कहने का मतलब अगर इस रिलेशन में 1,3 है तो उस रिलेशन में अगर 3,1 नहीं हुआ, जैसे देखो 1,3 है लेकिन इस रिलेशन में 1,3 है लेकिन 3,1 नहीं है, तो दैट मीन्स ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं हुआ, क्योंकि 1,3 हो तो 3,1 भी हो, 2,6 हो तो 6,2 भी हो, 3,9 हो तो 9,3 भी हो, 4,12 हो तो 12,4 भी हो। लेकिन ये तो पहले वाले के लिए ही फेल कर गया, तो किसी भी एक ऑर्डर पेयर के लिए फेल कर जाएगा तो वो रिलेशन आपका सिमेट्रिक नहीं कहलाएगा। यानी बच्चों उस रिफ्लेक्सिव को समझना बहुत आसान है, उसमें ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे ए कॉमा ए टाइप के। सिमेट्रिक को भी समझना बहुत आसान है, उसमें ऑर्डर्ड पेयर होंगे ए कॉमा बी बी कॉमा ए टाइप के। अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारा ये रिलेशन ट्रांजिटिव है कि नहीं, तो हम लिखेंगे आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बच्चों इसमें अगर 1,3 है और 3,9 है तो इसमें 1,9 भी होना चाहिए। भाई 1,3 3,9 ध्यान से देखिए इस रिलेशन में है लेकिन 1,9 नहीं है, इस रिलेशन को बिलोंग करता नहीं है। तो इसका मतलब अगर ए कॉमा बी हो, बी कॉमा सी हो और ए कॉमा सी भी उस रिलेशन में, तो उस रिलेशन को हम लोग कहते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। लेकिन यहां पर बच्चों ध्यान से देखो 1,3 है, 3,9 है, लेकिन 1,9 अगर होता तो ये क्या होता, ये ट्रांजिटिव रिलेशन होता। लेकिन यहां 1,3 है, 3,9 है, लेकिन 1,9 यहां पर नहीं है, इसका मतलब ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं हुआ। तो बच्चों अब आपको क्लियर कट ये बात समझ में आ गई कि आपका जो रिलेशन डेवलप हुआ है 3x - y = 0 से, वो नहीं रिफ्लेक्सिव है, नहीं सिमेट्रिक है, नहीं ट्रांजिटिव है। तो आप आखिरी में लिख देंगे कि हेंस आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव, ठीक है, नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। तो बच्चों ये आपको समझ में आना चाहिए कि ये थ्योरी का पार्ट हम लोगों ने किस तरह से कंटिन्यू किया। तो बच्चों ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन की हेल्प से आप 100% समझ गए होंगे कि हम अपने रिलेशन को रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव कब कहते हैं कब नहीं कहते। और यदि कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो सिमेट्रिक भी हो ट्रांजिटिव भी हो तो इस तरह के रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन के नाम से भी जानते हैं। फिलहाल ये तो तीनों ही फॉलो नहीं कर रहा है तो यहाँ पे तो बात ही खत्म हो गई। अब लोग बच्चों आते हैं हम लोग समझने के लिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। तो शुभ अगर तुम क्लास में अटेंटिव होके देख रहे होगे तो सेकेंड वाला पार्ट बेटा तुम खुद भी कर सकते हो। तो सेकेंड वाला पार्ट ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ध्यान से देखिए ये सेकेंड वाला पार्ट है, ये सेकेंड वाला पार्ट आपको उससे खुद करना होगा। तो क्या लिखा है बच्चों उसमें, इसमें लिखा है कि आपके पास कोई रिलेशन है आर इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड एज, आपके पास एक रिलेशन गिवन। तो बेटा आपके पास यहाँ पे सेट किसका बना हुआ है बताइए, नेचुरल नंबर का सेट है। तो मान लीजिए आपका जो सेट ए है वो नेचुरल नंबर का है, नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 ये इनफाइनाइट तक। अब आपको उससे ऑर्डर्ड पेयर बनाना है, उसमें रिलेशन क्या दिया है y इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव, यानी कि आप x कहां से स्टार्ट कर सकते हो 1 से। तो बेटा शुभ जब x 1 होगा तो y कितना होगा 6, तो ऑर्डर पेयर कितना हुआ 1,6। तो शुभ जब x 2 होगा तो y कितना होगा 7, तो ऑर्डर पेयर कितना हुआ 2,7। बेटा जब x 3 होगा तो y कितना होगा बताइए,
एक्स थ्री होगा तो वाई कितना होगा? एट होगा। लेकिन क्या ये ट्रू है? चेक कर लेते हैं ट्रू है कि नहीं। बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि यहां पे एक्स आपको चार से कम लेना है और आपने चार से कम लिया है, और वाई तो कुछ भी हो सकता है, और एक्स और वाई क्या है? नेचुरल नंबर। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वाई पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, एक्स पे रेस्ट्रिक्शन है कि एक्स वाई से फोर से छोटा होगा। तो हमने एक्स को वन लिया, टू लिया, थ्री लिया, उसके कॉरिस्पॉन्डिंग ऑर्डर्ड पेयर्स आपके आए हैं 1.6, 2.7 एंड 3.8। ये बेटा ऑर्डर्ड पेयर्स आपके निकल के आए। तो बेटा जो आर रिलेशन है, जो कि नेचुरल नंबर से बन के तैयार हुआ है सेट ए से, तो वो रिलेशन आपका बन के आया है 1.6, 2.7 और 3.8। और बच्चों इस रिलेशन को देख करके आप एकदम गदगद हो गए होंगे, क्योंकि इसमें न ही 1.1 है, न ही 2.2 है, न ही 3.3 है। दैट मीन्स ये रिलेशन तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। ये रिलेशन में ना 1.6, न ही 6.1 है, ना 2.7, न ही 7.2 है, ना 3.8, 8.3 भी नहीं है, क्योंकि 1.6 हो तो 6.1 होना चाहिए, 2.7 हो तो 7.2 भी होना चाहिए, ऐसा नहीं दिख रहा है। इसलिए ये जो रिलेशन है ये आपका सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव तो है ही नहीं, क्योंकि ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए? ए कॉमा बी हो, बी कॉमा सी हो, तो ए कॉमा सी भी मौजूद होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से बच्चों अगर आप इसको जनरल वे में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? आप कहेंगे आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज बिकॉज ए कॉमा ए नॉट बिलोंग टू आर। फिर लिखेंगे आर इज नॉट सिमेट्रिक बिकॉज ए कॉमा बी, बी कॉमा ए नॉट बिलोंग टू आर। फिर लिखेंगे आर इज नॉट ट्रांजिटिव, क्यों नहीं है? बिकॉज बिकॉज इसको लिख भी देते हैं, ट्रांजिटिव की क्या कंडीशन होती है? ए कॉमा बी हो, बी कॉमा सी हो, तो ए कॉमा सी भी उसमें होना चाहिए। तो ये तीनों ही नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? आर इज नाइदर, लिख सकते हैं अब हम यहाँ पे इस बात को, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। अगर ऐसा होता है तो हमारा ये तीनों ही नहीं है। तो मेरे ख्याल से शुभ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ट्रांजिटिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, इनको हम किस तरह से रीड करते हैं। तो ये पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ, थर्ड वाला पार्ट। तो बच्चों थर्ड वाले पार्ट में क्या लिखा हुआ है? थर्ड वाले पार्ट को ट्राई करके बताइए और ये बताइए ये कौन से टाइप का रिलेशन हो सकता है, बताइए भाई ये कौन से टाइप का रिलेशन हो सकता है, ये सोच के बताइए। सबसे पहले क्या लिखा है आपके पास? एक सेट ए लिखा है, ये नहीं लिखा है कि सेट ए नेचुरल नंबर्स का है तो नेचुरल नंबर, लेकिन ये सारे नेचुरल नंबर एक से लेकर के 6 तक है। अब ये कह रहा है कि एक्स कॉमा वाई, और इसमें ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स कॉमा वाई वो वाले लिख रहे हैं जिसमें वाई क्या हो? डिविजिबल हो एक्स से। तो शुभ बता सकते हो कि कौन कौन से इसमें ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे? तो तुम कहोगे सर इसमें ऑर्डर्ड पेयर्स तो बहुत सारे होंगे, तो कौन से होंगे वही हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, आप उनको जल्दी से सोच के बताइए। तो तुम कहोगे सर जल्दी बताओ, सोच की क्या बताओ? वन यस वन क्योंकि वन वन हो सकता है, क्योंकि वन वन से डिविजिबल होगा, टू टू भी हो सकता है क्योंकि टू टू से डिविजिबल होगा, थ्री थ्री भी हो सकता है, फोर फोर भी हो सकता है, फाइव फाइव भी हो सकता है, सिक्स सिक्स भी हो सकता है। टू फोर भी ठीक है, और क्या हो सकता है बेटा इसमें? 2.4 हो सकता है क्योंकि 4 2 से डिविजिबल है, ठीक है, होता है। ये इसको फॉलो करेगा। और क्या हो सकता है बेटा?
बताओ। वन टू तो 1.2 लिख दे। हाँ 1.2 लिख देते हैं। और बताओ बेटा, 3.1 लिख देते हैं। नहीं, 1.3 लिखते हैं, यस क्योंकि सर। वाइड विजिबल होना चाहिए। और क्या लिख सकते हैं? 1.4, 1.5, 1.6 लिख सकते हैं, 2.6, 2.6 लिख सकते हैं, और 3.6, 3.6 लिख सकते हैं, और बस। इतने लिख सकते हैं। चलो इतने पे ही हम क्लोज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको ये बात तो क्लियर हो गई, इसमें 1.1 भी है, 2.2 भी है, 3.3, 4.4, 5.5, 6.6। तो ये जो आपका रिलेशन है, ये 100% कैसा हुआ? रिफ्लेक्सिव रिलेशन हुआ। ठीक है, तो यहां पे हम लिख लेते हैं कि आर इज रिफ्लेक्सिव। आर आपका रिफ्लेक्सिव है, क्यों? क्योंकि एक्स कॉमा एक्स टाइप के जो नंबर्स हैं वो आर से बिलोंग करते हैं। एक्स कॉमा एक्स या ए कॉमा ए लिख सकते हैं। चलिए, उसके बाद बच्चों हमारे पास क्या हुआ? ये सिमेट्रिक है कि नहीं है? इसमें 2.4 है, क्या 4.2 है? नहीं है। इसमें 1.2 है, क्या 2.1 है? नहीं है। इसमें 1.3 है, क्या 3.1 है? नहीं है। अरे किसी भी एक के लिए फेल हो जाए तो वो ट्रांजिटिव होएगा ही नहीं, सॉरी सिमेट्रिक होएगा ही नहीं। तो आप क्या लिखेंगे? आर इज नॉट सिमेट्रिक। आर सिमेट्रिक नहीं है, क्यों? क्योंकि 2.4 बिलोंग करता है आर को, बट 4.2 नहीं बिलोंग करता आर को। तो किसी एक के लिए भी अगर फॉल्स हो जाएगा तो वो सभी के लिए हो जाएगा। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई शो? उसके बाद हम लोग चलते हैं, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, अब हम लोग देखते हैं ट्रांजिटिव की तरफ। सर वो हो सकता है। ट्रांजिटिव होगा, चलिए देखते हैं। जैसे 2.4 है, 4.4 है, तो 2.4 भी है। यस, 1.2 है, 2.2 है, तो 1.2 है, 2.2 है, तो 1.2 भी हो सकता है, बिल्कुल सही है। 3.6 है, 6.6 है, तो 3.6 भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल सही है। तो ये तो यार लग रहा है कि आर जो है ट्रांजिटिव है, क्योंकि ट्रांजिटिव के लिए रिलेशन होता है कि ए कॉमा बी हो, बी कॉमा सी हो, तो ए कॉमा सी भी होना चाहिए। तो आपने एग्जाम्पल के लिए जैसे 2.4 लिया, आपने एग्जाम्पल के लिए 2.4 लिया और ये 4.4 लिया, तो 2.4 4 पे एंड हो रहा है, 4.4 4 से चालू हो रहा है। तो 2.4 4.4 अगर है तो उस पर 2.4 होना चाहिए, वो तो पहले सही है। तो इसका मतलब ये सारे उसके लिए ही ट्रू है। अब जैसे मान लीजिए मैंने एक दूसरा एग्जांपल ले लिया, जैसे इसमें है 1.2, 2.4 ले लीजिए। 1.2 है और 2.4 है। जी सर। 1.2 है तो 2.4 है, तो 1.4 होना चाहिए, तो देखो 1.4 भी है। इस तरह से तो बेटा आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो आप लिख सकते हैं आर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, बट आर जो है वो कैसा है? ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव क्यों है? क्योंकि इसमें ए कॉमा बी बिलोंग करता है आपको, बी कॉमा सी बिलोंग करता है आर को, और फिर ए कॉमा सी भी बिलोंग सी करता है आर को। इसीलिए बच्चों ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये हो गया आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। चलिए, तो ट्रांजिटिव रिलेशन का भी कंसेप्ट आप बहुत अच्छे से समझ गए। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में फिर से आपको बताना है कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव सिमेट्रिक क्या हो सकता है। तो क्या लिखा है? आर इज द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड। तो आर जो है बच्चों किसका है सेट? मतलब कोई रिलेशन आर है इन द सेट जेड। तो बच्चों जेड क्या है? सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, यानी जेड में क्या क्या आ सकता है?
माइनस वन माइनस टू वन टू थ्री जीरो सब कुछ आ सकता है। यानी यस मान लो सर। कोई सेट ए है लेकिन वो बना सभी तरह के इंटीजर्स से, तो माइनस हंड्रेड माइनस नाइनटी नाइन ऐसे करते करते जीरो वन टू थ्री खूब सारे ऐसे इंटीजर्स से भी करके बना है। अब ये जो सेट ए है इसी से आपको आर बनाना है। अब आर में वो वाले आपको ऑर्डर्ड पेयर्स लेने हैं जिसमें एक्स माइनस वाई क्या हो, एक इंटीजर हो, यानी कि डिफरेंस क्या हो, एक इंटीजर हो। तो तुम कहोगे सर ये तो बहुत सारे हो सकते हैं, यानी कि इसमें सर अगर हम लिखें तो पॉसिबिलिटीज तो खूब सारी बन जाएंगी। तो इतनी पॉसिबिलिटीज लिखने के लिए हम जनरल मेथड यूज करते हैं। जनरल मेथड कैसे यूज करते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। हम ये कहते हैं कि मान लो उसका कोई एलिमेंट है, मान लो उसका कोई एलिमेंट है जिसका नाम है एक्स, जो बिलोंग करता है सेट ए को, ठीक है। और ये जो एक्स कॉमा एक्स, ध्यान से देखिएगा, एक्स कॉमा एक्स अगर हम ले लेते हैं तो एक्स कॉमा एक्स लेने पर हमारे पास एक्स माइनस एक्स क्या आ जाएगा, कहोगे सर एक्स माइनस एक्स तो जीरो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो क्या डिफरेंस जीरो आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है जीरो। और क्या जीरो एक इंटीजर है, बिल्कुल इंटीजर है। तो यानी आपको कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स लेने हैं जिसमें डिफरेंस क्या आ जाए, बताइए, इंटीजर आ जाए। अब वो डिफरेंस एक्स कॉमा एक्स से भी आ सकता है, आ सकता है कि नहीं। जैसे आपने इससे जो ऑर्डर पेयर बनाया उसमें एक्स और वाई की वैल्यू सेम ले ली, तो एक्स और वाई अगर सेम लेंगे तो वो किसको फॉलो करेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन को। तो यहां पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो पॉसिबल है क्योंकि हमें एक्स माइनस वाई को क्या दिखाना है, इंटीजर दिखाना है। तो अगर हम वाई को और एक्स को अगर हम सेम ले लेते हैं तो डिफरेंस भी इंटीजर आता है और वो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन का भी काम करता है। तो यानी कि x, x टाइप के एलिमेंट्स हैं जो x माइनस वाई इज एन इंटीजर को सेटिस्फाई करते हैं। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए क्योंकि क्योंकि x माइनस एक्स क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, जो क्या है, इज एन इंटीजर। सो r इज रिफ्लेक्सिव, ये बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए आपने ले लिया x माइनस वाई को एक इंटीजर, तो आप मान लीजिए x माइनस वाई ले, तो ऑर्डर्ड पेयर्स आपने कोई लिया एक्स वाई और फिर ले लिया आपने y x, तो बेटा x माइनस वाई अगर इंटीजर आएगा तो y माइनस एक्स भी तो एक इंटीजर होगा। तो ये सिमेट्रिक हुआ क्योंकि अगर आप ऑर्डर्ड पेयर्स 1 कॉमा 2 लेते हैं तो 1 माइनस 2 भी एक इंटीजर है और 2 माइनस 1 भी एक इंटीजर है। तो ये इस तरह के सारे पॉसिबिलिटीज इसमें होगी, इसलिए हमारा ये जो होगा ये सिमेट्रिक रिलेशन भी होगा। तो आपको ध्यान देना होगा क्योंकि x माइनस वाई भी एक इंटीजर है और y माइनस एक्स भी क्या है, वो भी एक इंटीजर है, ठीक है ना। इसका मतलब x कॉमा वाई भी बिलोंग करता है, y कॉमा एक्स भी बिलोंग करता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, R इज सिमेट्रिक रिलेशन है। और बेटा अगर आप x कॉमा वाई लेंगे, y कॉमा जेड लेंगे, तो x कॉमा जेड भी क्या होगा, वो भी डिफरेंस क्रिएट करेगा एक इंटीजर का, क्योंकि दो इंटीजर्स को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्ट भी कैसा आता है, एक इंटीजर आता है। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। अगर आप उसको लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, लेट एक्स कॉमा वाई एंड वाई कॉमा जेड बिलोंग टू रियल नंबर या बिलोंग टू रिलेशन। तो एक्स वाई जेड कहां से बिलोंग करते हैं, सेट ए से बिलोंग करते हैं। तो बेटा यहां पर x माइनस वाई एंड y माइनस जेड क्या है, इंटीजर्स है, क्या है, इंटीजर्स है। तो x माइनस जेड क्या आएगा, वो आएगा x माइनस वाई प्लस y माइनस जेड, वो क्या होगा, इज एन इंटीजर, ठीक है। सो r इज ट्रांजिटिव, r इज ट्रांजिटिव। तो बच्चों r क्या होगा, r हो जाएगा आपका रिफ्लेक्सिव भी, ठीक है, सिमेट्रिक भी
ठीक है, और ट्रांजिटिव भी। इसका मतलब ये कैसा रिलेशन है? इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। तो तीनों तरह के अगर रिलेशन फॉलो करता है तो उस तरह के रिलेशंस को हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन के नाम से जानते हैं। तो बच्चों यहां पर इस तरह के काफी सारे जो क्वेश्चंस हैं वो इसी पर ही बेस्ड है कि आप हर बार रिलेशंस के टाइप को किस तरह से डिस्क्राइब करें। सारे क्वेश्चंस उसी पे ही बेस्ड है। तो ये सारे क्वेश्चंस अगर आप अटेम्प्ट करेंगे तो सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। जो अभी मैंने आपको क्वेश्चंस कराए उसी से मिलता जुलता ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में ही मिल जाएगा। इससे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। और बच्चों अगर आप करना चाहें तो एक दो क्वेश्चन सभी कर सकते हैं हमारे साथ। तो जैसे मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको एक क्वेश्चन देता हूं करने के लिए, आपको उसका एक सही जवाब बताना पड़ेगा। वो है क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए और उसका एक सही जवाब बताने की कोशिश करिए। देखिए, करिए इसको। तो बच्चों ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 142। तो क्वेश्चन नंबर 142 को अगर आप करना चाहें तो ये जेई मेंस 24 जनवरी 2023 का क्वेश्चन है। तो किस तरह से करेंगे ध्यान से देखिए। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए आप सिर्फ इंटीग्रेशन को आई मानिए और लिखिए 0 से π/2 कॉस एक्स 2023 होल डिवाइडेड बाय साइन एक्स 2023 प्लस कॉस एक्स 2023। ठीक है, अब बच्चों हम लोग को प्रॉपर्टी सिखाई जाती है 0 से a f(x) dx इज इक्वल टू 0 से a f(a−x) dx। तो हम लोग सबसे सर पहले केस यहां वाली प्रॉपर्टी। यस बेटा, ये प्रॉपर्टी हर जगह आप लगा सकते हैं। तो जहां जहां एक्स है इसको आप π/2 − x से रिप्लेस करिए। तो ये हो गया एक्स, ये हो गया π/2 − x। जब आप स्टेप्स लिखोगे तो चाहे ये 2023 हो चाहे ये 2022 हो, कोई भी पावर हो, ये सबके लिए सर शायद एक और मेथड है कि मतलब ऊपर नीचे दोनों में कॉस एक्स की पावर 2023 से डिवाइड कर दें। है। नहीं बेटा, वो मेथड यहां पे नहीं चल पाएगा बेटा। इसमें यही एक मेथड है जिससे आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने तो पेपर में वैसे ही करा था, डिवाइड कर दिया था, तो मतलब मेरा जो इंटीग्रेशन था वो गलत हो गया होगा फिर। हाँ बेटा, इसीलिए हम बताया भी होगा हमने क्लास से, में हमसे लेक्चर वगैरह ले लिया, तो मेरे पास हर चीज के लेक्चर भी है। तो मेरे सर यूट्यूब चैनल फॉलो करते हो, देखते हो कभी? हाँ सर ले चुके हैं सर, उसी से पढ़ते हैं बोर्ड्स के लिए। अच्छा, ये हो गया बेटा। अब देखो, प्रॉपर्टी लगाने से पहले आपने आई माना, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई वो और ये आई दोनों प्रॉपर्टी हो इक्वेशन को गया। ऐड करके 2i बना लूँ। बस जैसे ही आप इसको 2i बनाओगे तो आपको इससे अच्छा कोई मेथड ही नहीं समझ में आएगा, क्योंकि एलसीएम लेने पर हाँ ये सर वन, वो वही आ एलसीएम जाएगा लेने जो पर ऊपर है। वन आ जाता है। तो इसी को बस आपको कट कॉपी हाँ करना होता है, यहीं पे ये चीज लगा दो और इसके साथ उठा के ऐड कर दो। ये आंसर डिजिटल पता बोर्ड, चल अरे ये सारे π/2 क्वेश्चन, आ जाएगा। हाँ, बेटा ये सारे बच्चों ये जब जो, हाँ मतलब कर दे रहे, वेट करो। अच्छा ओके ये हो क्या रहा आज? कॉपी पेस्ट सही से नहीं हो रहा है, रुको अच्छा सही से कर दे। नीचे चला गया, पता नहीं क्या हो रहा है। और समझ गए सर, ठीक है रहने दीजिए, हो गया हो गया। समझ गए? हाँ सर हो गया। ऊपर नीचे सेम दोनों बन जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1x 1 dx आ हाँ जाएगा बेटा, सर।
अरे ये असल में चक्कर ये है कि ये दोबारा फिर से आ जाएगा एग्जाम में, हम चाहते हैं तुम दोबारा आए तो गलत ना करके आओ, नहीं नहीं सर, अब नहीं इसीलिए गलत हुआ, हो जाएगा हो जाएगा। तो फाइव बाई हम टू स्टेप लिख दे रहे हैं। है हलवा क्वेश्चन लेकिन नहीं स्ट्राइक किया तो फिर टफ लगेगा, बस ये है। जीरो से फाइव, कई सारे बच्चे इसको रेशनलाइज भी कर देते हैं, कुछ नहीं होता। डीएक्स का एक्स हो गया, लिमिट चलाओगे तो पाई बाई टू आ जाएगा, आई आ गया पाई बाई। ये तो हमने बच्चों को रटवा रखा है कि इसका आंसर पाई बाई फोर होता है। अब बेटा वो पाई बाई फोर आ गया तो आप सीधा सीधा क्या करिए, हाँ एट पाई को मल्टीप्लाई कर दीजिए पाई बाई फोर से, उसका आंसर टू आ जाएगा, टू उसका आंसर सर, हमने तो सुना था आ। मैथ्स का टफ आता है मेंस का, ये तो क्वेश्चन ही आराम से हो गया। नहीं नहीं बेटा ये सब ऐसा कुछ नहीं होता, ऑलरेडी सिलेबस जो है बेटा रिड्यूस सिलेबस है, तो रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करो। अगर आपके पास रिड्यूस सिलेबस नहीं है तो तुम मेरे पास टेलीग्राम करो, मेरे पर्सनल वाले ग्रुप में जुड़ो, उसमें हम सारी सिलेबस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन डालते रहते हैं। सर वहीं से ले लिया था। अच्छा तुम जुड़े हुए ग्रुप में मेरे, हाँ सर, आपके सामने ही जोड़ो, आपने जोड़ाया था। अच्छा तो बेटा रिड्यूस सिलेबस फॉलो करो, मतलब बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। सर काफी, मतलब इसमें डीआई एज अ लिमिट ऑफ सम भी हट गया है। हाँ मतलब काफी ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, जो पेपर आएगा उसमें इस बार स्पीड की जरूरत पड़ेगी, बाकी पेपर तो आसान है। हाँ सर, 143 रिफ्लेक्सिव के भी इतने एग्जाम्पल वगैरह बता दिए कि क्लियर हो गया होगा। ये भी क्वेश्चन एकदम हलवा है। क्वेश्चन किया था आपने?